मुजफ्फरपुर के संजू भाई अपने छत पर टेरिस गार्डन लगाकर सुर्खियों में बन गए हैं, क्योंकि फूलों के साथ साथ फल भी टेरिस पर लगा चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें काफी खूबसूरत फल लगा हुआ है करना, इसकी चटनी अचार और लोग ऐसे भी खाते हैं, और काफी सुंदर लग भी रहा है और कम जगह में हो चुका है, पक्के भी तैयार है। कितनी मेहनत करते हैं और इसका कितना पौधा है आपके पास? पौधा तो इसका एक ही है, लेकिन हम कभी कभी इसको जो है ग्राफ्टिंग से तैयार करके मित्रों में बांटते हैं तो दे देते हैं, और काफी अच्छा खासा फल जाता है। किलो जगह में बहुत, हाँ बिल्कुल, गमले में बहुत अच्छा पनपता है, बस थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और बोन मील खाद देना पड़ता आगे है। आगे चलेंगे और संजू भाई के गार्डन में, टेरिस गार्डन में जो भी खूबसूरत, अब इधर नजर पड़ी हमारी, यह रेड सोइजन है, इसकी क्या खासियत है और आम सोइजन से कैसे बेहतर है ये? आम सोइजन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हम सुने हैं कि बंगाल में लोग इस तरह का सोइजन उगाते हैं। मेरे पास एक पौधा आया था ऑनलाइन और इत्तफाकन वो लाल निकला। इससे हमने कई पौधे तैयार किए हैं, जमीन में भी लगवाए हैं और गार्डन तो में आप भी देख सकते हैं। कोरोना, रेड सोइजन, कटहल, कटहल का भी पेड़ है, और नींबू, इसे हजारा नींबू बोलते हैं, इसमें फल भी लगा हुआ नींबू का काफी। और दूसरी ओर आपको दिखाएंगे कि तरह तरह का फ्रूट, फलों के साथ साथ फ्रूट भी लगा चुके हैं, और ऐसे में अब दूसरे टाइप की लेमन, इसे कागजी लेमन कहते हैं, यह भी काफी फला हुआ। आपका सब चीज में फल और फूल दोनों काफी है। जी जी, अच्छी फ्रूटिंग होती है। वैरायटी है ये जमीरी नींबू है, और वो लाल वाला अनार है जिसका बीज लाल लाल होता है। अनार, नींबू, कोरोना, सोजन और इधर बेल, बेर में भी जो है आप देख सकते हैं इसमें बहुत सुंदर फूल लग गया हुआ है, और दाने के आकार का, राई के आकार का दाना भी लग चुका है। कौन वैरायटी है ये? राजस्थानी बेर है, रेड कलर का होता है, बिल्कुल सेब की तरह देखने में लगता है। और यह क्या है? ये अंजीर का पौधा है, इसमें भी फल आने लगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें खूब फल आता है, और इसमें से हमने भी 10 पौधे तैयार करके लोगों को बांटे भी हैं, लोग जमीन में लगाएं। और ये राजस्थान वाली वैरायटी नहीं, यहाँ महाराष्ट्र की वैरायटी है, और काफी अच्छा टेस्ट भी आता है, बहुत बढ़िया फलता है, खूब फलता है। तो मुजफ्फरपुर के संजीव गीत गुरु अपने गानों के लिए तो सुर्खियों में रहते ही हैं, लेकिन इस बार अपने टेरिस गार्डन पर जो फल लगाए हुए हैं, अंजीर, बेर, लेमन, हजारा लेमन और अनार, कोरोना, रेड सोइजन, तो ऐसे तमाम फल और फूल लगाए हुए हैं जो काफी खूबसूरत और इनके टेरिस गार्डन का खूबसूरती तो बढ़ा ही रहा है, और इसके साथ साथ इन्हें बेहतर फल भी घर पर जो होता है इस तरह, इसमें तो कोई रासायनिक खाद वगैरह रहता नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग या कीटनाशक का प्रयोग हम नहीं करते हैं जी। बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो स्वच्छ और शुद्ध, बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध, प्योर ऑर्गेनिक, जिसको प्योर ऑर्गेनिक फल भी मिल रहा है, फूल के साथ साथ प्योर ऑर्गेनिक फल भी प्राप्त कर रहे हैं और टेरिस गार्डन में। तो इस तरीके से अपने छत के टेरिस गार्डन पर, अपार्टमेंट के टेरिस गार्डन पर आप भी लगा सकते हैं, और कम जगहों में खूबसूरत, एक काफी खूबसूरत, यहाँ पर आने के बाद भी एक बहुत सुंदर माहौल दिखता है फूल और फलों के बीच में। और संगीत गुरु, आप तो रियाज वगैरह भी करते हैं तो यहीं पर आकर करते हैं? जी जी, तो संगीत गुरु है बिल्कुल, सुबह में कभी कभी आते हैं यहाँ बैठकर ही रियाज करते हैं। सैकड़ों बच्चे आपके? बिल्कुल बिल्कुल। तो कई एक नामी गायक सिंगर भी हैं जो संगीत गुरु संजू के शिष्य हैं, और ऐसे में एक बार फिर सुर्खियों में आ चुके हैं, क्योंकि अपने टेरिस गार्डन पर कटहल, अनार, बेर, कोरोना, विभिन्न प्रकार के फलों को भी लगा दिए हैं, जिसको लेके काफी सुर्खियों में। मुझे मणिभूषण शर्मा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।